और आपके रोजे अच्छे गुजर रहे होंगे बिकॉज के जो अभी टाइम क्या हुआ है अभी टाइम आई थिंक तीन बजे है तो मैंने कहा ऐसे ही बोर हो रहा है एक वीडियो ही बना लेते हैं तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है इनहेरिटेंस ओके एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड इफ यू पीपल आर न्यू ओवर हेयर then welcome and if you're not then welcome again and don't forget to subscribe my channel because when you subscribe my channel then you'll get all the notification of all my videos that i'll post so let's get started first of all we are going to discuss that what is actually inheritance inheritance kisi hai अब इसका जो वर्ड मीनिंग है अगर वो हम देखें तो जो इनहेरिटेंस है ना वो पता है किसको कहती है इनहेरिटेंस वरासत को कहती है ओके वो कौन सी होती है जिसके अंदर से पेरेंट्स के जो करैक्टर्स होते हैं जो हमारे पास पेरेंट्स के करेक्टर्स होती हैं ना वो किसके अंदर जाती है ऑफस्प्रिंग उनके बच्चों में तो ये जो हमारे पास प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं ओके okay, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा सा छोटा इंट्रोडक्शन देती हूँ पहले पहले पता है क्या होता था कि जो पास होते थे ना उनके आगे से जो बच्चे होते थे कुछ बच्चे उनसे मिलते थे मतलब सिमिलर थे लेकिन कुछ तो बिल्कुल ही डिफरेंट थे और जो बहन भाई होते हैं ना ब्रदर और सिस्टर जो होते हैं वो भी कोई कोई देखे कितने डिफरेंट होते है, हैं अभी भी कितने डिफरेंट है अब जो हम बहन भाई हैं हम सारे डिफरेंट हैं हर किसी की अपनी अपनी हैबिट होती है हम अपने मामा बाबा से कुछ होते हैं करेक्टर्स कुछ थोड़ी बहुत खसूसयात होती है, जो हमारे पास पेरेंट्स और बच्चों की मिलती होती है लेकिन वो खसूसयात वो करैक्टर्स वो हमारे अंदर किस तरह से ट्रांसफर होती हैं इसको जानने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्चेज की उन्होंने उसके बाद डिस्कवरीज की तो जो लोग थे उनको तो नहीं पता था कि ये जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे सिमिलर कैसे होते हैं डिफरेंट कैसे होते हैं वैसे मैं जो हूँ ना मैं अपने बाबा के ऊपर गई ओके तो जो मतलब कुछ मत, डिफरेंट होती हैं कुछ सिमिलर होती हैं तो डिफरेंट और सिमिलर दोनों का आंसर देने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया अब कहती है कि कोई चीज़ है जो पेरेंट के पास है अब वो हमें नहीं पता वो क्या है स्टार हम डाल देती हैं अब वो स्टार आगे से कहाँ पर जाएगा और स्प्रिंग के अंदर जाएगा ऑब्वियसली तो उस स्टार का हमें नहीं पता था कि वो है क्या चीज़ है तो फिर साइंटिस्ट ने रिसर्च की और हमारे लिए इतना ज़्यादा क्या बना दिया दे बना दिया हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा उसके अंदर क्या तो क्या क्या होता है अब न्यूक्लियस है नुकलिस है नुकलिस के... All, तो है okay? cell है न्यूक्लियस न्यूक्लियस सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑफ ऑल तो सेल 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 ओके इज द बेसिक यूनिट आवर लाइफ लाइफ हमारी जो है उसका बेसिक यूनिट है हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है अब कहते हैं कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ओके okay? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या है क्रोमोसोम्स है क्रोमोसोम्स है ओके और जो क्रोमोसोम्स है क्रोमोसोम्स इज समथिंग लाइक दैट ये हमारे क्रोमोसोम्स है ओके okay? ये इस तरह से क्रोमोसोम्स हमारे अंदर पड़े हुए हैं न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या पड़े हुए हैं क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं अब ये जो क्रोमोसोम्स है ये जो न्यूक्लियस के अंदर है ये न्यूक्लियस है ना इसके अंदर इस इस तरह से क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम एक्चुअली जेनेटिक मटीरियल कहते हैं ओके जेनेटिक मटीरियल और यही एक्चुअली ट्रांसफर होता है ओके okay? ये जेनेटिक मटेरियल है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है ओके okay? यहां तक बात क्लियर है अब यहाँ तक तो हो गया अब वो कहते हैं कि ये हमारे पास एक सेल है सेल के अंदर न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है और जो क्रोमोसोम्स है इस एर सो ना है जिन्नेटिक मटीरियल अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है ना न्यूक्लियस के ये जो अंदर है ये जेनेटिक मटेरियल है ओके ये तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है ये एक्चुअली हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है यहाँ तक तो उन्होंने तो देख लिया अब वो कहती है कि अभी भी हमें से पता नहीं चला कि इनके पेरेंट्स के अंदर से ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या चीज़ एक्चुअली ट्रांसफर होती है अरे भाई बता दो ना क्यों इतना माइंड को घुमा रहे हो तो तब एक और साइंटिस्ट आया उसने क्या किया उसने कहा कि आ, मैं आपको बताता हूँ कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या चीज़ ट्रांसफ़र होती है तो उन भाई साहब ने हमें क्या बताया उन्होंने कहा कि ये हमारे पास एक क्या है क्रोमोसोम है और इसका आपको पता है कि इस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ओके क्लास नाइन में आपने माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस पढ़ा था ना माइटोसिस के अंदर क्या होता है म्योसिस के अंदर क्या होता है तो वहाँ हमने क्रोमोसोम्स की बात की थी कि पेरेंट्स से क्या होगा कि ये जो हमारे पास दो क्रोमोसोम्स है ना पेयर है ना एक तरह से तो एक क्रोमोसोम्स पेरेंट्स से आएगा एक क्रोमोसोम्स किससे आएगा एक क्रोमोसोम हमारी मदर से आएगा तो ये दोनों एक हेप्लॉइड दूसरा हेप्लॉइड मिलके क्या बनाएंगे डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो वो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा ओके यहाँ तक बात ले रहे हैं अब फिर क्या होता है कि जो हमारे पास साइंटिस्ट थे साइंटिस्ट क्या कहती है साइंटिस्ट हमें कहती है कि रुक जाओ रुक जाओ वेट करो थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या चीज़ ट्रांसमिट होती है कि करेक्टर सेम होते हैं ओके okay? तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है क्रोमोसोम्स के ऊपर इस तरह से क्या होती है फैक्टर्स होते हैं अब फिलहाल उन्होंने नाम नहीं बताया ओके okay? नाम नहीं बताया अभी ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर फैक्टर्स होती हैं अब वो हमें नहीं पता कि क्या फैक्टर्स होती हैं ये इस तरह से ओके okay? तो फाइनली उन्होंने कहा कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है क्रोमोसोम्स के ऊपर फैक्टर्स होती हैं अब उन्होंने तो फैक्टर्स ही कहा था और ये कि उन्होंने कहा था मेंडल 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 जो था मंडल क्या था फादर ऑफ जेनेटिक्स मंडल ने बहुत अच्छे काम किए हमारे लिए जो अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जीन के अंदर क्या होता है एफ वन जनरेशन से एफ टू जनरेशन को प्रोड्यूस करवाएं तो क्या आता है क्या नहीं आता जो हमारे पास पी प्लांट है उसके अगर हम उसको सेल्फ पोलिनेट करें तो उसकी जनरेशन कैसी होगी क्रॉस पोलिनेट करें तो कैसी होगी तो ये कौन थे मेंडल थे मेंडल ने क्या किया कि जो हमारे पास उन्होंने कहा कि क्रोमोसोम्स के ऊपर कोई फैक्टर होते हैं तो फाइनली ये फाइनली हमें पता चल गया कि उन फैक्टर्स को पता है फिर उन्होंने क्या नेम दिया उन फैक्टर्स को उन्होंने नेम दिया कि ये जीन है जीन की वजह से सारा काम होता है ये फसाद की जाड़ी चीज है जीन ए पैरेंट्स ऑफ स्प्रिंग के अंदर जाते हैं जीन की वजह से हमारे पास करैक्टर डिफरेंट होती है ओके अब मैं आपको बताती हूँ एक हमारे पास वर्ड है ट्रेड्स ओके एक तो हम करेक्टर कहते हैं ना एक तो हमारे पास करेक्टर होती है करेक्टर खसूस ट्रेड्स ट्रेड्स कैसे कहती है अब इसके अंदर इन्होंने इसका आंसर देने के लिए ट्रेड्स का बताया कि ट्रेड्स क्या होती है अब जिस तरह से हमारे जो आई कलर है अब जो भी है मतलब आईज है तो करेक्टर क्या है आईज है हाइट है और वट एवर यू वॉन्ट कि आप कोई भी ले सकती हो कि इसके अंदर से हमारे पास आप जिस तरह से आप स्किन कलर ले लो कोई भी कलर ले लो लेकिन आगे से उनकी जो वाइटीस हैं डिफरेंट डिफरेंट जिस तरह से आई का कलर ब्लू भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है आइस का कलर ब्लू भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है और कैसा हो सकता है ब्लैक uh, भी हो सकता है तो ये क्या है ये आगे से इसके पेड्स है ओके okay? करेक्टर क्या हो गया करेक्टर एक हमारी बस आइस आइस नॉर्मल कि आइस का साइज कैसा है शेप कैसा है वो सारा तो जिसके अंदर इस तरह से करैक्टर की बात आ, बात आ जाती है कि हमारे पास एक्चुअली एक्चुअली इसका हमारे पास जो ट्रेट है ट्रेट का जो आगे से इसकी खसूसियत है मतलब ये किन किन वाइटीज में पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं ट्रेट्स ओके okay? यहाँ तक बात कर रख अब ये तो हमें पता चल गया कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या ट्रांसमिट होता है जीन जीन ट्रांसमिट ट्रांसमिट होता होता है होता है तो तभी तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग होते हैं पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं जो बहन भाई होते हैं वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से कोई कोई सिमिलर भी होते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ़ द पीपल्स दैट आई सी वो सारे डिफरेंट होते हैं जो मैंने देखे हैं वो सारे जो है क्या होते हैं अपने बहन भाई से जो है डिफरेंट होते हैं बिकॉज हम खुद बहन भाई दूसरे से डिफरेंट है तो मैंने यहाँ तक एक्सपीरियंस किया है कि जो लोग कुछ मैंने देखे हैं जो बहन भाई सारे के सारे एक जैसे होते हैं उनकी हैबिट्स भी एक हैबिट्स तो नहीं कह सकते उनका जो मतलब कलर है उनकी आइज का साइज उनका फेस उनकी सारा कुछ एक जैसा होता है कुछ बहन भाइयों का मैंने देखा है तो वो क्यों होता है बिकॉज ऑफ दिस जीन इस जीन की वजह से होता है ये जीन उनके अंदर ट्रांसमिट हो रही होती है ओके okay? हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस एक्चुअली है क्या ओके okay? फिर हम देखेंगे कि जेनेटिक्स क्या ओके अब देखते हैं इनहेरिटेंस क्या है द प्रोसेस द प्रोसेस बाय विच फ्रैक्टर इज ट्रांसलेट फ्रॉम वन जनरेशन आप इसके अंदर पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग भी कह सकते हैं वन जनरेशन टू अनादर जनरेशन भी कह सकते हैं जो आपकी मर्जी आप कहें बट कहना इन दोनों में सही कोई एक क्या अच्छा वन जनरेशन टू अदर ओके इज कॉल्ड इज कॉल्ड इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ओके वो प्रोसेस जिसके अंदर जो करैक्टर्स हैं ट्रांसमिट होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर उसे हम क्या कहती है उसे हम कहती है, inheritance और heridity. Heridity भी कहती है. मैं इतना लाउड लाउड नहीं बोल रही बिकॉज मेरा रोसा है और जब मैं लाउड लाउड बोलती हूँ ना फिर मुझे प्यास लग जाती है इसलिए मैं स्लो स्लो बोल रही हूँ आपको आई होप मेरी आवाज आ रही होगी एंड अगर आपको थोड़ा सा अंधेरा अंदेर, अंधेरा फील हो रहा है तो आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को इनक्रीज़ कर लें सो देट्स वाई दिस विल हेल्प यू कि आपको जो ये बोट है अच्छी तरह से नज़र आएगा ओके okay? और अब हम यहाँ के यहाँ पर पड़ क्या पढ़ते हैं कि जो हमारे पास जनेटिक्स है जिनेटिक्स क्या जनेटिक्स एक्चुअली जनेटिक्स का तो हमने सोचा ही नहीं एक बच्चा वो कहता है कि जो है मैंने सारा इनहेरिटेंस पढ़ लिया ओके तो वो जो बच्चा है वो कहता है मैंने सारा इनहेरिटेंस पढ़ लिया लेकिन जब हम उससे पूछते हैं अच्छा तुमने सारा इनहेरिटेंस पढ़ लिया अच्छा तुम मुझे बस इतना बता दो कि जेनेटिक्स के वो कहता है ये तो मुझे पता ही नहीं तो जब उसको जेनेटिक्स का पता ही नहीं तो उसने सारा इनहेरिटेंस कहाँ से पढ़ लिया उसे इनहेरिटेंस का पता होगा

इनहेरिटेंस और एजिडिटी को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो सारा प्रोसेस हम कौन सी वाली ब्रांच के अंदर पड़ती है वो सारा प्रोसेस हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं ओके okay? और जो जेनेटिक्स हैं जेनेटिक्स का फादर कौन है फादर और मदर आई थिंक इसकी मदर नहीं है इसका फादर है एंड जेनेटिक्स मैंडल इज द फादर ऑफ जिन्नेटिक्स जो मैंडल है ना वो है जिन्नेटिक्स का फादर इसकी वजह से ही सारा जेनेटिक्स निकला है अगर ये हमारे पास जीन को प्रोड्यूस ना करते जीन को रिसर्च ना करते तो ये इतना बड़ा ड्रामा ही ना लगता अब इन्होंने इसको डिस्कवर कर लिया अब हमें पढ़ना पड़ेगा जीन क्या है क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमोसोम्स क्या है अली क्या है ये सारी चीजें हम अपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे ओके अब हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स के अंदर जो चीजें मतलब ट्रांसमिट होती हैं वो क्या क्या होती है एक तो हाइट हो सकती है हाइट और, 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 और कलर आई कलर हेयर कलर एक्सेट्रा 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 और ना आज मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ आज मैंने एक बच्ची देखी है छोटी सी बिल्कुल इतनी सी ना प्ले क्लास में थी तो उसकी जो आइस का कलर है सेम टू सेम उसका जो फदर है उसकी आइज़ का भी कलर है सेम टू सेम उस तरह से तो वहाँ पर उनके क्या ट्रांसमिट हुआ है जीन ट्रांसमिट हुआ है जिसकी वजह से उसकी आइस का कलर और उसके फदर की आइज़ का कलर सेम था तो ये किस वजह से हुआ है जीन की वजह से हुआ है और जो हमारे पास हाइट होती है जिन जो पेरेंट्स जिनके मतलब हाइट थोड़ी छोटी होती है तो उनके जो ऑफस्प्रिंग स्प्रिंग होती है उनकी भी हाइट थोड़ी छोटी होती है और जिन पेरेंट्स की हाइट इतनी लंबी होती है तो उनके जो ऑफस्प्रिंग है उनके जो बच्चे हैं उनकी भी हाइट फिर इतनी लंबी होती है ओके और जिनकी छोटी होती है फिर छोटी होती है जिनकी कलर आइज का कलर ब्लू होता है तो उनकी जो ऑस्प्रिंग है मे भी उनके ऑसप्रिंग का मे वी कलर ब्लू हो सकता है अब ये जरूरी नहीं है कि उनकी जो आगे से बच्चे हैं उनके आइस का कलर सेम टू सेम उनके फादर की तरह हो तो जो हमारे पास आइस हेयर कलर ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे पास जीन ट्रांसमिट करता है और जो हमारे पास डीएनए है ना डीएनए हमारे पास डीएनए क्या है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इस तरह से और आपको पता है ये बहुत ये तो स्नेक बन गया है सीधा सारा अब इसको हम

काफी है ये जो हमारे पास डीएनए है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और ये जो डीएनए है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और आपको पता है किससे मिलकर बना हुआ है, से मिलकर बना हुआ है और ये जो डीएनए है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है एक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर नहीं बना हुआ पोली न्यूक्लियोटाइड पोली मीन ज्यादा न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ अब ये जो डीएनए है इसके ऊपर क्या है जीन्स प्रेजेंट है ओके तो डीएनए के ऊपर क्या है जीन प्रेजेंट है और जो अब अगर हम इसके अंदर बात करें तो जो डीएनए है उसका जो जो प्रॉपर मतलब उसका जो एक स्पेसिफिक फंक्शन है वो क्या है कि ये क्या बनाता है आर एन एर आर एन ए किस हेल्प करता है ये हमारे पास प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है ओके okay, और अगर ये हमारे पास फाल्टी ये हमारे पास जो डीएनए है अगर इसका जीन फाल्टी है जिस तरह से हम कहते हैं ना कि न्यूक्लियस इज़ द ब्रेन ऑफ सेल सेल का जो ब्रेन है वो न्यूक्लियस है इसी तरह से जो डीएनए है उसका जो ब्रेन है वो जीन है जीन कहेगा तो ये प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा जीन इसे कहेगा कि प्रोटीन प्रोड्यूस ना करो तो ये उस प्रोटीन को वो कर देगा खत्म कर देगा उसे प्रोड्यूस नहीं करेगा अब इसी तरह से अगर हम बात करें तो हमारी पूरी बॉडीज के अंदर सेल है तो सेल के अंदर ऑब्वियसली डीएनए होगा तो डीएनए के ऊपर क्या है जीन्स प्रेजेंट है और वो वो जीन जो हमारे पास प्रोटीन प्रोड्यूस करवाती है अब हमारे आइस के अंदर भी है इधर भी है हमारे हैंड्स के अंदर भी है इतने ज़्यादा जीन्स हैं लेकिन यहाँ पर हमारी आइस कलर का तो जीन है लेकिन ये एक्टिव नहीं है अगर ये ये हमारे पास है तो है लेकिन एक्टिव नहीं है और ये हमारी आइस कलर के अंदर एक्टिव है तो ताकि ये कलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ओके सो दिस इज ऑल अबाउट छोटू छोटू इंट्रोडक्शन ऑफ इनहेरिटेंस नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स एंड जीन्स क्रोमोसोम्स क्या है जीन्स क्या है इस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है क्रोमोसोम्स के बारे में जीन्स के बारे में अब मुझे थोड़ी सी प्यास लग रही है और रोज़ा है पानी भी नहीं पी सकती इसलिए अल्लाह हाफि थोड़ा सा रेस्ट करूँगी एंड आफ्टर दैट आफ्टर दैट क्या करूँगी मैं उसके बाद क्या पता नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूँ सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो so any question related to this whole topic you can ask me in the comment section thanks for watching hello 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 hello